अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी और MLC के कविता ने आज हिजाब और मुस्कान खान की ताइद में अपने हाथ से हिंदी में तहरीर करता एक नज़म पोस्ट की है। के कविता ने इस हिंदी पोस्ट के साथ अंग्रेजी में लिखा है कि सिंदूर पहनना और लगाना मेरा शौरी इंतखाब है, हिजाब पहनना मुस्कान का सिलेक्शन। ख्वातीन को फैसला करने दें कि वो किस चीज़ को पसंद करती हैं और खुद को आरामदायक महसूस करती हैं। साथ ही कविता ने #हैशटैग हमें मत सिखाओ यूज़ किया है। अपने ट्वीट के साथ अटैच की गई हिंदी की नज़म में के कविता ने लिखा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम हिंदुस्तानी हैं। सिंदूर पगड़ी हिजाब या सलेब, चाहे हम जो भी पहने हम हिंदुस्तानी हैं। चाहे वो तिरंगा बनाने वाले पिंगली वेंकैया हो, चाहे वो जय हिंद का नारा देने वाले आबिद हसन सफरानी हो, चाहे वो सारे जहां से अच्छा लिखने वाले अल्लामा इकबाल हो, चाहे वो जन गण मन लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हो, ये सब कह गए हैं हमसे कि हम जो भी हैं हम सब हिंदुस्तानी हैं। आदिलाबाद में CCI सीमेंट फैक्ट्री के दोबारा आगाज़ के लिए चंद रोज़ कबल CCI साधना कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। साधना कमेटी के क़याम के आगाज़ से ही मरकज़ की BJP हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मनसूबा बंद तरीके से पुरअमन मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम्स मुनक़द किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज से CCI साधना कमेटी के बैनर तले आदिलाबाद के चांदा टी की कौमी शाहरा पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़म किया गया। इस मुजाहरे में साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने भी शिरकत की और साधना कमेटी जिम्मेदारान के अलावा बरसर इकतदार पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कौंसलर्स और कारकुनान की कसीर तदाद ने शिरकत करते हुए मुजाहरे को कामयाब बनाया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों को क़तियत दी गई, जिसका अहम मकसद सीमेंट फैक्ट्री के दोबारा अहया के लिए मरकज़ पर दबाव डालना मकसूद था। म्यूनसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी के हमरा रैली की शक्ल में सैकड़ों अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ और CCI को दोबारा खोलने के लिए एहतजाजियों ने मुख्तलिफ नारों पर मबनी प्ले कार्ड थाम रखे थे। एहतजाज तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान कौमी शाहरा पर ताहद निगाह ट्रैफिक जाम रही, जिससे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रांसपोर्ट और हेवी मोटर गाड़ियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस की जानिब से मुकम्मल हिफाजती इंतजाम किए गए थे। CCI साधना कमेटी के सदारत्र में नेतृत्व में हमारा मांगी एक ही है, तुम सीमेंट फैक्ट्री को खुला करो। आप लोग इससे पहले इलेक्शन में 2014 में हामी दिए, 2018 में तुम्हारा स्वयं बापराव के इलेक्शन में तुम लोग प्रचार करें। अगर हमारा स्वयं बापराव को जीत के लाए तो हमारा केंद्र सरकार BJP में आए तो हम 100% आदिलाबाद के सीमेंट फैक्ट्री को रीओपन करते बोल के वो लोग प्रॉमिस करें। फिर अब कौन आड़ा रहे, कौन हमारा राज्य सरकार भी तैयार है। अरे भाई तुम खुला करो, फिर तुम लोग इलेक्शन में प्रॉमिस करके वोट लेके तुम सीट जीत गए पार्लियामेंट का मेंबर का। फिर अभी क्यों, अभी इससे पहले भी वो लोग 2014 में भी बोले, उनका केंद्र होम शाखा सहाय मंत्री एक्स मिनिस्टर उन्होंने भी आके यहाँ प्रेस मीट लगाए। स्वयं बापरा भी इलेक्शन में बोले, यहाँ का BJP के सदर वो भी उन्होंने प्रेस मीट कर करे। विश्वास कहीं के लिए फिर कौन, हमारा राज्य सरकार भी ऐलान करे अगर CCI साधना कमेटी अगर KT रामाराव को मिले तो उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, भाई तुम्हारा से खुला करना होता नहीं होता, इसके ऊपर तुम क्लैरिटी बताओ। अगर तुम्हारा अकेला से नहीं होता, हमारा राज्य सरकार का सहायता क्या होना, हम रेडी है तुम्हारा 49% हमारा 51% से हम चलाने को भी राज्य सरकार तरफ से भी हमारा सपोर्ट है। अगर ये दोनों को भी आप लोग तैयार नहीं है, आप लोगों से नहीं होता, तीसरा डिमांड भी यही की है भाई तुम्हारा जो CCI संस्था हमारा राज्य सरकार को हैंड ओवर करो। हम पूरा जितने करोड़ों का कैसा हम दो पुराना जितना बकाई है वो पूरा पेंडिंग में है, वो पूरा हम भर देते, फिर नया परिश्रम के लिए कितना करोड़ का पैसे खर्च हो गए तभी हम पूरा राज्य सरकार से चलाने को भी तैयार है। फिर इतना बोलने के बाद इसमें BJP सरकार को नरेंद्र मोदी सरकार को क्या मकसद क्या है, क्यों तकलीफ क्या है, उन्होंने तो खुला बताना नहीं बता क्या। इतने दिनों से हमारा CCI साधना कमेटी की तरफ से कितने कार्यक्रम ले रहे,
अभी भी हम कह रहे यहाँ का जो लोकल का बीजेपी का एमपी स्वयं बाबूराव और बीजेपी उनको नेताओं को अगर चित्त शुद्ध रहे तो पब्लिक के ऊपर प्यार रहे तो ये परिश्रम होना बोल के अगर तुम्हारे दिल में रहे तो तुम सब लोग मिलके अगर बीजेपी के साथ सरकार के पास हमको लेके गए तो हम भी आने को तैयार है बोले। तुम्हारे एमपी साहब बोले सीसीआई साधना कमेटी वाले को भाई तुम लोगों को दिल्ली को लेके जाएंगे, बिल्कुल हम तैयार है लेके जाके हमारा मिनिस्टर उनसे मिलेंगे बोल के भी बोले। अभी भी वो पार्लियामेंट मेंबर स्वयं बाबूराव साधना कमेटी से बात नहीं कर रहे, लेके जा रहे नहीं, फिर इनका इरादा क्या है? उस वास्ते हमारा ये एजिटेशन आज के नहीं यहाँ नहीं दिल्ली भी जाके हमारा एजिटेशन करेंगे। केटी रामाराव साहब भी बोले सीसीआई साधना कमेटी वाले को तुम लोग कभी भी बोलो हम वहाँ आने को तैयार है, दिल्ली सरकार से डिमांड करेंगे। हम जो तीन डिमांड बोले हम तीन डिमांडों से तुम कौन सा डिमांड को तैयार है वो बोले तो सीमेंट फैक्ट्री खुला होने को तैयार है, ये हमारा डिमांड। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्ला टूर्स एंड ट्रेवल्स हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786।